दोस्तों, यूजुअली जब BTS के ऑफलाइन कॉन्सर्ट्स की क्लिप रिलीज होती हैं तो या तो वहाँ पर BTS के फनी या फिर प्यारे मोमेंट्स होते हैं या फिर आर्मी उनके कॉन्सर्ट को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रही होती है। लेकिन दोस्तों, इस बार कुछ नया हुआ है क्योंकि इस बार BTS के कॉन्सर्ट की एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वीडियो रिलीज हुई है। दोस्तों, एक्चुअली इस क्लिप में देखा जा सकता है कि BTS के कॉन्सर्ट के दौरान एक लड़की को पुलिस अरेस्ट कर रही है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, BTS के स्टेडियम के अंदर जहाँ वो डांस कर रहे थे वहीं पर कुछ लोगों ने एक वीडियो शूट करी जहाँ पर एक लड़की को अरेस्ट किया जा रहा था। हालांकि दोस्तों, इसके पीछे की पूरी बात क्या है ये जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे तो हमें फॉलो कर ही लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस बात को लेकर सबसे पहली रूमर तब फैली थी जब कुछ दिन पहले काफ़ी सारे फैंस ने एक फोटो और वीडियो वायरल करी थी जहां पर एक यंग लड़की को सोफाई स्टेडियम के अंदर कूदते हुए देखा जा रहा था। यानी दोस्तों, देखा जा रहा था कि किस तरह वो फैंस से कूद के सोफाई स्टेडियम के अंदर जा रही थी जहां पर BTS थे। और दोस्तों, उसके बाद काफ़ी सारे लोग इस बात से अवेयर हो गए थे कि वो लड़की शायद एक स्टॉकर है और वो जंगकुक की से सिंग फैन है और दोस्तों, जिसकी वजह से जंगकुक को उस लड़की से काफ़ी खतरा है। हालांकि दोस्तों, कुछ ही दिन बाद BTS के कॉन्सर्ट के दौरान एक क्लिप वायरल हुई जहां पर कुछ लोगों ने इस क्लिप को शूट किया जहां पर एक लड़की को अरेस्ट किया जा रहा था। दोस्तों, ये भी देखा जा सकता है कि BTS के तीसरे कॉन्सर्ट के दौरान जब BTS परमिशन टू डांस परफॉर्म कर रहे थे उस ही समय एक लड़की को अरेस्ट किया जा रहा था। हालांकि दोस्तों, अभी तक इसका रीज़न तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है और जो लोग वहाँ पर खड़े थे उन्हें खुद भी नहीं पता कि आखिर उस लड़की को क्यों अरेस्ट किया जा रहा था। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना है कि शायद ये वही लड़की थी जिसको उस दिन देखा गया था और शायद इसीलिए उसको अरेस्ट किया जा रहा था ताकि उससे किसी को खतरा ना हो सके। दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि लड़की यंग नहीं है बल्कि 38 ईयर ओल्ड की एक वुमन है जो लॉस एंजलिस तक सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि वो जंगकुक से मिलना चाहती है और दोस्तों, वो जंगकुक के पीछे काफ़ी पागल भी हैं। हालांकि दोस्तों, क्योंकि उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था इसीलिए इस बात को क्लियर नहीं किया जा सकता कि ये वही लड़की है कि नहीं। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि कुछ ही दिन पहले वीवर्स पर एक अनाउंसमेंट आई थी जहां पर बताया गया था कि केपॉप के जो भी ये कॉन्सर्ट हो रहे हैं यानी BTS के जो भी कॉन्सर्ट हो रहे हैं इसमें आप अपने फ़ोन्स के सिवाय कोई भी प्रोफेशनल कैमरा नहीं ले जा सकते जिससे आप शूटिंग नहीं कर सकते, कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बहुत सारे फैंस का ये भी कहना है कि हो सकता है कि जैसा कि अनाउंसमेंट में लिखा हुआ था कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ मिली तो आपको कॉन्सर्ट से बाहर कर दिया जाएगा, तो शायद उस लड़की के पास हो सकता है कि कोई प्रोफेशनल कैमरा हो जिससे वो शूटिंग करना चाह रही हो और उसके बाद उसको अपने मतलब के लिए बेचना चाह रही हो क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड्स उसके फ़ोन और उसके कैमराज को भी चेक कर रहे थे। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि शायद ये वही सेसिंग फैन है जो जंगकुक के पीछे इतनी दूर से आई है। हालांकि दोस्तों, अभी तक इस बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं पे भी रिलीज नहीं हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दें। अगर आपने भी इस क्लिप को देखा है तो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर तो कर ही दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, इंस्टाग्राम पर अभी तक अगर हमें आपने फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए क्योंकि उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।